परपोज मेरे साथ ना ये बचपन से कीड़ा है। रोज रोज मोटा होता है। कूड़ा कूड़ेदान में डाल। यूके का वीजा। और काफी दरवाजों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर बनी है। कुंडी मत कटका और आज कर रहा हूँ। आज रोटी खादी तू। बेस्ट वाला पाड़ा फोन। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल परपोज। मिल गया था। सप्रोस वहा। तो आज की वीडियो होने वाली है एज यूजुअल बहुत ज्यादा धमाकेदार, बहुत मस्ती से भरी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ घूमने फिरने, मौज करने, नाचने का। मैं क्या बोल रहा हूँ, नाचने गाने में क्यों जाऊंगा, नाचने गाने घूमने क्या हो गया। सो गाइस बकवास बहुत हो गया और अपनी आंखों से ही देख लो, क्योंकि उस तरह जो है ना बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको पक्का यार। तो चलो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। तो यार मेरे साथ ना ये बचपन से कीड़ा है कि मैं कोई भी नई चीज़ देख लूँ तो मैं वही लेकर आता हूँ कि यार इसको ही ट्राई करेंगे। तो इस बार मेरे हाथ लगी थी कोलगेट हर्बल, जिसमें बहुत हर्बल चीज़ें थी जैसे कि पुदीना, लौंग, यूकेलिप्टस और नीम। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रही थी हमारे गम्स और दांतों के लिए, तो मैंने कहा चलो यही ले लेता हूँ। तो यार जहाँ तक बात है, मैंने कहा अच्छे तरीके से निकलेगी बट व्हाट द फहद प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने देखी फिल्म लॉर्ड वेडिंग, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं 3-4 दफ़ा देख चुका, बट जब भी टीवी पे लगती है ना मैं देख लेता हूँ। तेल से भरा ऑयली ऑयली खाना खाता जा, रोज रोज मोटा होता जाता जा, कितना है मोटा तू, आलू लग रहा है पूरा। तो यहाँ से मैंने लेकर खाए थे रोल समोसे, और ये मजंग की, पुराने मजंग की बहुत ज़्यादा फेमस दुकान है। और यार मुझे लगता है कि मजंग में सारे के सारे पंजाब के लाहौर के टेस्ट आके बस गए, मतलब बहुत टेस्टी खाना होता है। और यहाँ पर ये तोता, मतलब तोती मुझे मारने पे लगी, मतलब उंगली करूँ तो इतनी बड़ी चोंच खोलती है यार, मतलब बंदा क्या गए। जैसे कि आपने देखा कि यार हमारे मुल्क में पलने वाला काठा तोता कितना ज़्यादा फ्रेंडली है, और इसके बरक जो ये अलेक्जेंडर पैरेट है ना, ये थोड़े से रूड है, बट है तो परिंदे ही, बहुत ज़्यादा क्यूट है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह। और आप देख सकते हो यार, मतलब मुझे ना, आई एम अ ट्रू एनिमल लवर, और जिसके घर में भी आपको पता कोई भी जानवर हो, आपको पता है उससे एक अटैचमेंट सी हो जाती है, चाहे वो आपको जानवर शुरू में पसंद हो या नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो चलो चलते हैं लाहौर म्यूजियम, और यहाँ पर देखते हैं लाहौर के पाकिस्तान के कदीमी नज़ारे। तो आते साथ ही बाहर एक बुद्ध की मूर्ति थी, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे टिकट घर है, तो चलो जल्दी से टिकट ले लेते हैं। बात सुन, चल बहुत हो गया, चल बहुत टाइम हो गया, चलो चलो चलो। कूड़ा कूड़ेदान में डाल। फिर हम गए मालदीव्स, US, छोटी मोटी कंट्री घूमने। अमेरिका जाने की तैयारियाँ, UK का वीज़ा। तो बचपन के अंदर ना मुझे लगता था अजायब घर को बोलते हैं अजीब घर, और मैं सोचता था यार म्यूजियम को उर्दू में अजीब घर क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अजीब चीज़ें होती हैं। क्या बोल रहे हो, हाँ। सो यहाँ पर हम लोग अपने टिकट दे रहे हैं, और यहाँ पर ये फाड़ कर हमें पकड़ा रहा है हमारी टिकट, और उसके बाद मुश्तबा की तलाशी हो रही, क्योंकि वो एक अंडरवर्ल्ड का डॉन है। तो यहाँ पर सारा नक्शा है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ आपको इधर इधर मिल जाएगी। तो जहाँ तक इंटीरियर की बात है, तो यार मैं क्या ही कहूँ, मतलब क्या ही कहूँ, कितने ही तारीफ़ों के पुल बांधूँ यार, मैं चुप नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत कमाल का था। ऑफ़ कोर्स म्यूज़ियम है, तो उसको मद्देनज़र रखकर उन्होंने रेडी किया हुआ था, और बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हो, ये जो दरवाज़ा है ना, लाहौर का बना हुआ लकड़ी का दरवाज़ा है, जो अकबरी तर्ज में खुदा हुआ है, और यार आप देख सकते हो कि अब तक ये कितना सही है।
और ये चीज़ें देख के ना मन खुश होता है कि यार मतलब हमारे अबाउजदाद ऐसे घरों में रहते थे ये सब। और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी दरवाज़ों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर बनी है, इसके बारे में हम लोग तारीख की किताबों में पढ़ते हैं कि यार पहले के लोग ऐसा करते थे ताकि जो चोर है या गलत लोग हैं घर में एंटर होने से पहले डर जाएं, और अगर वो कुछ गलत करते भी हैं तो जो है ना देवी देवता उनको सजा देते हैं। तो यार बिल्कुल वैसा ही आप देख सकते हो, कितने ज़्यादा देवी देवता एक दरवाज़े पर ही इन्होंने बना दिए हैं। और ये एक पुराना हाथी पर बैठने वाला है तो बहुत ज़्यादा मजबूत था, ऐसा लग रहा था कि कभी यार इस पर हाथी मतलब या। तो यहाँ पर गुरु नानक जो सिखों के खुदा हैं, तो आप देख सकते हो जो एक बंदा हिस्ट्री का शौकीन हो और ऐसी जगह पर चला जाए तो यार क्या ही बात है। तो मैं दरवाज़ों पे ना ऐसे उसकी कुंडी मत कटका और आज कर रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ कि यार कभी इन पर एक्चुअली में दस्तक होती होगी हज़ारों साल पहले हमारे मुल्क के अंदर। क्या ही रिच हिस्ट्री है हमारी, हमारी जड़ें बहुत मजबूत है और हमारे कल्चर को सींध कर रखना हमारा काम है, अपने पाकिस्तान की सकाफत को। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, तो कैसा रहा आज का? आवाज़ तो मेरे उससे बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। चल तू खुद ही एंड आउट्रो कर दे। आज रोटी खादी तू? आज बहुत खादी तू। चल चल कल भी खा ले, पता नहीं मिल रही है नहीं। चलो चलो चलो। हाँ यारी प्यारी सी गुड़िया यानी पैनाडोल जा रही है, मतलब बंद होने जा रही है, बताओ यार आपको बता। सो गाइज यहाँ तक की थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना मस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्यों सब्सक्राइब नहीं किया अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन क्लिक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो एंड कमेंट करके बताओ कि आज की वीडियो का सबसे ज़्यादा बेस्ट वाला पार्ट आपको कौन सा लगा। तो या टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आपके प्यारे होस्ट अल्लाह हाफ़िज़। Oh.